हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन करने शुरू कर दिए हैं। चुनाव समिति के सदस्य एवं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संयोजक रंजिता मेहता ने स्पष्ट किया है कि साफ छवि और जीतने वाले उम्मीदवारों को ही पार्टी टिकट देगी। मेहता ने जहां अपनी पार्टी के प्रदेश में आगामी होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी, वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर होगा इस बारे में भी जानकारी दी। इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने चुनाव समिति के सदस्य एवं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संयोजक रंजिता मेहता से। हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने आवेदन देने शुरू कर दिए हैं। इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस समय मेरे साथ हैं चुनाव समिति की सदस्य एवं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संयोजक रंजिता मेहता, इनसे जानते हैं। जी मेहता जी, देखिए क्योंकि चुनावी बुगल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणभेरी में जुट चुके हैं, उसी तय पे चलते हुए कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तैयारी में है और कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि जो ग्राफ पहले कांग्रेस पार्टी का डाउन था, डे बाय डे हम ऊपर जा रहे हैं। और आज अलार्म ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी की टिकट के इच्छुक हैं, आज लंबी लंबी कतारें जो हैं वो हमारे हाई कमान, हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं उनके यहाँ पर लगाकर वहाँ पर टिकट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही छाप छवि वाले लोगों को टिकट देती आई है और विनेबिलिटी क्राइटेरिया भी देखा जाएगा। तो जितने भी जिस जाति की समुदाय से बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से, वो भी चीज़ देखी जाएगी। तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है और जो मेहनती साफ छवि वाले लोग कांग्रेस पार्टी में बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पार्टी उनको हाईकमान जो है अपना उस क्षेत्र का एरिया का चेहरा बनाकर जो है वो पार्टी के लिए उतारेगी। मेहता जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे हम तैयार हैं। आज अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में जो उन्होंने कुशासन किया है और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है, आज हर वर्ग उनसे परेशान है। आज युवा की बात कर लें तो बेरोजगारी की दर हरियाणा 28.7% जहाँ पर पहुँच चुकी है, जबकि देश की स्तर 8% पर है। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो आज किसानों के मुद्दे हैं, उनको उचित दाम नहीं मिल रहा, किसान आज भुखमरी की कगार पर बैठा है, आज महिलाओं को सुरक्षा नहीं रही। महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो हरियाणा नंबर 1 बन चुका है क्राइम रेट के अंदर। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात लेकर जो है हम चुनावी बिगुल में हम उतरने वाले हैं। और उसके अगर हम बात करते हैं व्यापारियों की, आज व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं, मार्केटों में दुकानें खाली हैं, ना ग्राहक हैं, ना उनकी बिक्री हो रही है। तो जिस तरीके से हर वर्ग इनसे परेशान है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कर्मचारी, चाहे वो रोडवेज के कर्मचारी हैं, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षा की अगर हम बात करें जो टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, तो हर बंदा इनसे परेशान है। तो आज जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि आज तक तो छगम राष्ट्रवाद की राजनीति करती भाजपा वोटें बटोरती आई है, जनता इनको जवाब देने के लिए मूड में बना चुकी है। रंजिता जी, कांग्रेस ने कोई अपने कार्यक्रम भी तय किए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अब बूथ लेवल की जो वर्कर पार्टी वर्कर मीटिंग है वो शुरुआत होने जा रही है, जिसकी शुरुआत 15 तारीख से हो रही है और एक दिन में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर किया जाएगा और 17 तारीख को इसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र और पंचकूला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनको कवर किया जा रहा है। ये थी मेरे साथ चुनाव समिति की सदस्य एवं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संयोजक रंजिता मेहता। इन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने आवेदन दाखिल करने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जीतने वाले और साफ छवि के उम्मीदवार को कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में उतारेगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल।